बहुत बढ़िया। अगर अपन देखना चाहें गुजरात बात करें, हाउ मेनी पॉसिबल गुजरात के स्ट्रक्चर या हाउ मेनी गुजरात के स्ट्रक्चर है पॉसिबल और बेटा एनिमी है टोटल गुजरात किसके अगर अपन देखें तो कितने रजिस्टर के बनेंगे, फाइव बनेंगे। आपको पता है बेटा बात करें कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बात करें अगर देखा जाए एनिमी के अंदर इसका ऑक्टेट पूरा है। अगर इसको आप खोलोगे पूरे बात के बाहर तो इस तरीके से एक नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, वो बना चुका है पूरे बात के एक इधर एक इधर, समझ पा रही है। NH2 ये एनिलीन है, अभी इसका ऑक्टेट भी पूरा है, 1, 2, 3 बॉन्ड बने हुए, वन लोन पेयर। लोन पेयर मतलब पूरे बात एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूरे बात करें क्या हो इस और इस कार्बन का, अगर पूरे बात करें नेक्स्ट कार्बन इस पाई बॉन्ड को पूरे बात कर लेता है, मतलब अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से एटम पर शिफ्ट होते हैं तो ये हो जाएगा बेटा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को पूरे यहां शेयर करेगा। मतलब अगर आप देखो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद है ना, वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमारे पास है क्या, हर जगह नाइट कार्बन था और कार्बन था, बेनियन भी आपको अच्छा दिखता है कि कार्बन के साथ क्या हर जगह हाइड्रोजन तो है, ये समझ पा रहे ना। इसका मतलब कंडीशन क्या आ जाएगी कि जैसे ही गुड़े बात करें NH2 का जो गुड़े लोन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसके उसके पास ही रहेगा, पर एक वो कार्बन को दे देगा। जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो पॉजिटिव चार्ज, समझ पा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक। अच्छी बुढ़े बात करें, जैसे मैंने देखा था जो बॉन्ड बुढ़े बात करें शिफ्ट नहीं किया उनको वैसे का वैसा ही बना दो, ठीक है ये कंडीशन। अभी इस कार्बन की हालत देखो, इसके पास क्या था, कार्बन से हाइड्रोजन तो था ही ना इसके पास, इसका हाइड्रोजन अपने पास है, हर किसी के पास है उसका हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है, C6H6 होता है। बस आपने बुढ़े बात करें पहले कार्बन का हाइड्रोजन हटा के क्या किया, NH2 लगाया था ग्रुप, मतलब बुढ़े बात करें अमीनो ग्रुप से उसको क्या किया था, समझ पा, रिप्लेस किया था हाइड्रोजन को, बाकी सबके हाइड्रोजन है। अब सोचो अगर इस कार्बन ने पूरे बात की पूरे का पूरा बॉन्ड लिया हो तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इस कार्बन का, जैसे ही पूरा बॉन्ड पूरे बात कर लेगा, जैसे पाई बॉन्ड का ट्रांसफर बॉन्ड से पूरे एटम पर होगा तो इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक तो उसका ही है उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा आपको इस कार्बन का मिला उसकी वजह से आपके ऊपर क्या नेगेटिव, जहां भी नेगेटिव लगा हो वहां ये मान के चलना बेटा बात करें कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, क्या है लोन पेयर। अब पूरे बात करिए वाली कंडीशन, अभी सोच पा, अगर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज आया लोन पेयर आया तो इसका ऑक्टेट देखा जाए 2, 4, 6, 8 ऑक्टेट पूरा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की वजह से क्या अनस्टेबल है। अब बुढ़े बात करें क्या होगा कि अगर बेटा बात करें इस पाई बॉन्ड का ये वाला जो बुढ़े बात का पूरे का पूरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, अगर ये कार्बन लेता है, सोचो इस बॉन्ड में इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका, तो जैसे बुढ़े बात करिए बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन लेगा पूरे का पूरा, समझ में, ये एटम या कार्बन पूरे का पूरा बॉन्ड लेगा तो उसको दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपना और इसका, जिसकी वजह से बुढ़े बात के इसके ऊपर एक नेगेटिव आएगा, तो इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला। देखो अभी अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए कौन, ये मतलब बेटा बात करें इस कार्बन का जो लोन पेयर है वो कहां पहुंच जाएगा, जल्दी बोलो बेटा बात करें कहां पहुंचेगा, बॉन्ड पर। तो वही हाल हो रहा है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है एटम पर, तो एटम से कहां जा रहा है बॉन्ड पर, ये वाला अगले वाले केस में ये होने वाला है, सोच पा रहे। तो इसका मतलब जब ये इधर कूदेगा और ये इधर कूदेगा तो सोचो बुढ़िया बात करें जैसे ही पूरा बॉन्ड लेगा इसके ऊपर नेगेटिव आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव, लेकिन इसका पॉजिटिव कौन न्यूट्रल कर देगा, ये क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा वो इधर शेयर कर देगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अल्टीमेटली बुढ़िया बात कर पता है किसके ऊपर क्या है बेटा बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का इसको फायदा हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो कुछ स्ट्रक्चर आपका ऐसा बनेगा, करना कुछ नहीं बुढ़िया बात करें, यहाँ पे कौन था बेटा बात करें NH2 प्लस, प्लस मतलब क्यों, इसका इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्स्ट्रा बन बन के, ठीक है जो बॉन्ड बुढ़िया बात करें पहले से है उनको मत छूना, ये ऐसे कैसा बना दो समझ पाए, और यहाँ डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बना दो। अच्छा आपने क्या किया बेटा बात करें, ये वाला बॉन्ड आपने इस कार्बन को दिया, जो ये कार्बन था अगर ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा बात करें, दो इलेक्ट्रॉन, अपना तो लिया कोई चार्ज नहीं, लेकिन जैसे इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया इसके ऊपर क्या आ गया, एक माइनस वन आ गया, आया कि नहीं आया, एक नेगेटिव आ गया, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आया होगा, एक पॉजिटिव, लेकिन इस कार्बन के दीदी पॉजिटिव को किसने न्यूट्रल किया, इस कार्बन के लोन पेयर ने, सोचो इसका एक इलेक्ट्रॉन दीदी इसका ही था लेकिन एक एक्स्ट्रा था जो इस कार्बन का छीना था, तो जब ये बेटा बात करें पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ना, मतलब इस तरीके से, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक इसके पास ही रहेगा लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसको दे देगा, सोच पा रहे। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसने लिया था तो इसके ऊपर क्या आया था, पॉजिटिव, लेकिन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो इसका पॉजिटिव खत्म और इसका नेगेटिव खत्म, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा बात करें बॉन्ड, बहुत बढ़िया। अगली बार क्या होना है, अगली बार ऐसा होना है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो गुड़े बात करें क्या है, पाई बॉन्ड है। अगर सोचो बेटा बात करें इस पाई बॉन्ड को कौन गुड़े बात कर ले रहे, ये वाला कार्बन ले नेक्स्ट, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव न्यूट्रल करने के लिए ये बेटा बात कर ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा, इसके साथ शेयर कर देगा, तो सीधी बात है बार ये होने, जब भी बॉन्ड इधर जाएगा तो ये जो बेटा एटम पर लोन पेयर है नेगेटिव वो कहां पहुंच जाएगा बॉन्ड पर,
मतलब हमने जो एलियन स्ट्रक्चर आएगा वीडियो बात करें कुछ ऐसा आएगा। डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, सोच पा रहे? अच्छा पूरे जो बॉन्ड पहले से बन चुके उनको बिल्कुल मत छूओ, ठीक है ऐसे। अच्छा ठीक है, कर क्या रहा अपन इसकी बात, इसको शिफ्ट कर रहे थे, इसको शिफ्ट कर रहे थे। ये जो कार्बन था इसका जो हाइड्रोजन है, इसमें जो वीडियो बात का पूरा बॉन्ड लिया था, मतलब इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन तो आया लेकिन इस कार्बन का भी छीना, तो इसका वीडियो बात का मिला एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, तो क्या आ गया माइनस वन। इलेक्ट्रॉन तो है उसमें से, एक आपका ही है एक दूसरे का है, समझ पा रहे? लेकिन जैसे ही पुलिस के इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे मुझे बताओ, छह ही बचे, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए इस कार्बन के पास जो पूरे दो इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसको दे दिया। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिला इसके ऊपर नेगेटिव आया, प्लस माइनस क्या हो गया न्यूट्रल, समझ पा रहे? और इसके पास जो एक्स्ट्रा था वो हटा, इसका नेगेटिव खत्म, मतलब यहाँ पे बुढ़े बात करें दोनों के बीच में क्या बन गया बॉन्ड बन गया, बात समझ पा रहे? अब देखो यहाँ पर अब अगली बार क्या होगा बेटा बात करें, इस एटम के ऊपर जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर है वो शिफ्ट कहां पर होगा बेटा बात करें बॉन्ड पे। जैसे ही यहां बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो इस पाई बॉन्ड को बेटा बात करें कहां जाना पड़ेगा वापस नाइट्रोजन का, उसको वापस मिल जाएगा। मतलब अगर अपन देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, जो बॉन्ड की बात करें पहले से बने उनको वैसे ही बना दो डबल डबल, ठीक है शिफ्टिंग यहां पर भी थी। यहां कौन था बताओ बेटा बात करें कार्बन, कौन था यहां पे NH2, कौन था यहां पे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, ये हालत ठीक नहीं थी। अच्छी बुरी बात का सोचो, आप सोचो कि नहीं सर मैं इसको शिफ्ट ही नहीं करना चाहती है ना, बस मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ बनाना चाहती हूँ। सोचो बुरी बात करें इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ रखा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और यहाँ पे बॉन्ड बना, तो इसके तो बेटा बात करें कितने बॉन्ड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे। इसलिए बुरी बात करें अगर यहाँ बॉन्ड बना तो इसका बॉन्ड यहाँ से हटना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी वजह से कितनी 5 हो जाएगी और कार्बन चार्ज से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। तो बुढ़िया बात करें अच्छा आप बताओ ये बॉन्ड याद है आपको, ये बॉन्ड कहां से आया था जब इस नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया था, मतलब इस नाइट्रोजन के लिए इतना लोन पेयर शेयर किया तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास रहा था, एक इसने इस कार्बन को दिया था तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसके ऊपर प्लस आया था। अब जैसे बुढ़िया बात के वो अपना लोन पेयर लेगा, लोन पेयर मतलब क्या है पाई बॉन्ड लेगा, पाई बॉन्ड मतलब क्या दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले उसके पास था वो तो उसके पास बॉन्ड में नहीं है और बाद जब पूरा बॉन्ड अपने ऊपर ले लिया तब भी उसके पास रहेगा, लेकिन जो इस कार्बन का बुढ़िया बात ने इसको दिया था वो इलेक्ट्रॉन वो फिर से मिलेगा वापस, तो जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी बैलेंस्ड, समझ पा रहे? मतलब पूरे का पूरा लोन पर उसके पास आ गया, ठीक है बुढ़िया बात करें। और यहाँ पे बेटा बात करें हमारे पास इस कार्बन के पास जो दो इलेक्ट्रॉन थे एक खुद के पास रखा एक इसको दिया, इसका जो बुढ़िया पॉजिटिव था वो पूरा हुआ, समझ पा रहे? मतलब न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ फिर से बॉन्ड बच जाएगा, ठीक है इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया। हुआ क्या बेटा बात करें टोटल स्ट्रक्चर में कि जो पाई बॉन्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है डीलोकलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है डीलोकलाइज हो रहा है, तो पाई बॉन्ड तो डीलोकलाइज हो ही रहा है मतलब इस रिंग के अंदर के साथ में लोन पेयर भी बात करके वो डीलोकलाइज हुआ, मतलब जो एनिलीन के एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर वो लोकलाइज नहीं है, मतलब वो स्थानीयकृत नहीं है, वो क्या कर रहा है घूम रहा है कभी नाइट्रोजन पर तो कभी कार्बन पर, तो कभी कार्बन पर तो कभी कार्बन पर फिर नाइट्रोजन पर, उठा के देखो नाइट्रोजन पर है फिर कार्बन पर आया फिर कार्बन पे आया फिर कार्बन पे आया और फिर नाइट्रोजन पे चला गया, समझ पा रहा है? तो इसका मतलब वो क्या है डीलोकलाइज है। जब आपने देखा होगा बेटा बात कर नाइट्रोजन पर है लोन पेयर तो कार्बन पे नहीं है, और जब इस कार्बन पे आया तो नाइट्रोजन पे नहीं बचा, समझ पा रहे? और फिर वही लोन पे बेटा बात इस कार्बन पे आ गया तो दीदी इधर नहीं बचा कहीं, देखो बचा है क्या, फिर बुढ़े बात करिए इधर से इधर शिफ्ट हो गया तो बेटा बात क्या इधर नहीं बचा, मतलब एक ही लोन पेयर बुढ़े बात में जो बार बार क्या कर रहा है बेटा घूम रहा है, ठीक है इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, क्या बोलते हैं? अब अगर बुढ़े बात करें अपन देखें यहाँ पे कि जो नेगेटिव चार्ज आया वो कहाँ कहाँ पर आया, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आया, तो बुढ़े बात कर रहे हैं कहाँ पर आया सेकंड कार्बन पे आया। अगर अपन नंबरिंग करें जिस कार्बन पे बेंजीन के बुढ़े कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो अमीनो ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर तो उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें फर्स्ट कार्बन, क्या बोलते हैं ये बुढ़े बात कर फर्स्ट कार्बन है, ये बेटा बात कर सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन, ऐसे अपने नंबरिंग की, ठीक है। तो अगर अपन देखें बेटा बात करें क्या कंडीशन हो रही बताओ, पहले 1-2 के बीच में लास्ट वाले को देखो उठा के सीधा जब नाइट्रोजन का लोन पे उसके पास आ गया 1-2 के बीच में पहले क्या था बुढ़े बात करें बॉन्ड था, अब 1-2 के बीच में बॉन्ड नहीं है। दीदी बात करें 2-3 के बीच में नहीं था लेकिन अब आ गया, बुढ़े बात करें 3-4 के बीच में था पर अब नहीं होगा, 4-5 के बीच में दीदी नहीं था पर अब आया क्या होगा, बुढ़े बात करें 5 के बीच में था लेकिन वहां नहीं है, यहाँ 6-1 के बीच में नहीं था पर देखो वहां पर आ गया, मतलब अगर अल्टीमेटली आप देखो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बॉन्ड इधर चला गया फिर दीदी ये बॉन्ड इधर आ गया और ये बॉन्ड इधर आ गया, समझ पा रहे? लेकिन इसमें बेंजीन के अंदर के पाई बॉन्ड ही घूम रहे, जो बाहर के नाइट्रोजन का बॉन्ड पर है वो भी बुढ़े बात कर रहे पार्टिसिपेट कर रहा है, बात समझ पा रहे? समझ पा रहे? अब अगर अपने बोले बेटे बात करें कि बेंजीन रिंग में जिस कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को हम बोलते हैं फर्स्ट कार्बन, लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं उसको,
कुछ याद है जब नाम नोमिन बेचे करते थे तो जिस कार्बन में बुढ़े बात करें पता है फंक्शन को जुड़ा होता था उस सबसे पर नंबरिंग करते थे और उससे जुड़े कार्बन को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे मतलब मिनिमम नंबर देते थे। इस तरह से नंबरिंग नहीं करते थे 1 2 3 अगर इधर से करो तो गलत था नंबर हम इधर से करते थे 1 2 3 बात समझ पा रहे। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े थी बात करें एटम को आपको मिनिमम नंबर देना है तो ये कंडीशन 1 है 2 है 3 है 4 मतलब बेटा 2 पोजीशन को ये अपन क्या बोलते हैं ऑर्थो क्या बोलते हैं तो 2 बोलो या बोलो बेटा बात करें ऑर्थो बुरे बात करें 3 को अपन क्या बोलते हैं मेटा क्या बोलते बेटा 4 को क्या बोलते हैं पैरा। अब अपने बोलो 5 को क्या बोलोगे इधर से बुरे बात करें पता है 5 लग रहा है लेकिन इधर से करो तो क्या 3 तो 1 है तो अगर देखने बुरे बात करिए 1 है तो ठीक है 2 है ये 2 है मतलब क्या है ऑर्थो समझ पा रहे बुरे बात करें और ये बेटा 3 है मतलब क्या है मेटा तो चाहे बुरे बात करें 5 बोलो चाहे 3 बोलो चाहे बेटा 6 बोलो चाहे क्या बोलो 2 बोलो चाहे ऑर्थो बोलो तो 2 ऑर्थो है या 6 ऑर्थो है बुरे बात करें 3 बोलो या 5 बोलो ये क्या है मेटा और ये क्या है तो ऑर्थो पे गुड़े बात करके आया देखो नेगेटिव आया फिर पैरा पे क्या है नेगेटिव आया फिर ऑर्थो पे क्या है नेगेटिव आया नेगेटिव मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन रिचनेस मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। तो अगर गुड़े बात करें कभी भी ऐसे कंपाउंड पर जिसकी मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई बेटा बात करे ऐसा बेंजीन का गुड़े बात करे आपको डेरिवेटिव मिले जहां पे बेटा बात करे क्या हो बेंजीन के ऊपर किसी भी कारण पे आप यहां मत देखो अब यहाँ जुड़ा हो गुड़े बात कर हमें क्या फर्क पड़ता कोई जेड ग्रुप जुड़ा होगा जिसके ऊपर क्या है लोन पेयर है तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप गुड़े बात करें पता है क्या करता है इसके रिस्पेक्ट में गुड़े बात कर ये बन गया आपका फर्स्ट कार्बन तो फिर ये कौन है बेटा सेकंड ये कौन है थर्ड ये कौन है फोर्थ ये कौन है फाइव और ये कौन है सिक्स आप इस नंबर को अपनी विधि से करना 1 तो फिर ये है 2 ये है 3 ये 4 ये 5 और ये 6 बात समझ में। तो फर्स्ट कार्बन से जुड़े चाहे बुरे बात करें इधर से देखो 2 हो चाहे इधर से 6 हो चाहे इधर से 2 चाहे इधर से 6 हो मतलब जस्ट फर्स्ट कार्बन जुड़े कार्बन कहलाते बुरे बात करें क्या ऑर्थो क्या कहलाते बेटा और दीदी बात करें जस्ट ऑर्थो से जुड़ा हुआ कहलाता है क्या पैरा क्या कहलाता है और पैरा से जुड़ा हुआ कहलाता है मैटर सॉरी ऑर्थो से जुड़ा हुआ कहलाता है मैटर और लास्ट वाला कहलाता है बुरे बात करें क्या पैरा। आप इधर से नंबरिंग करो तो बुरे बात करें फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्ट कहलाता है ऑर्थो उसके बाद दीदी बात करें कौन है बेटा मैटर उसके बाद कौन है पैरा बात समझ पाए तो ये कंडीशन दीदी देख लो अगर कभी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा डायरेक्टर जुड़ा हुआ है कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है समझ पा रहे तो ये गुड़े बात करें आने वाले गुड़े बात के इलेक्ट्रोफाइल को आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजता बेटा बात इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रिपोर्ट डेस्टिनेट कंपाउंड कहां भेजेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मतलब बेटा बात करिए जो जेड ग्रुप है अभी डायरेक्टर है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है क्या होता है बेटा बात करें ऑर्थो पैरा डायरेक्टर समझ पा रहे। और अगर देखें बेटा बात करें ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब जो न्यूक्लियोफाइल हो तो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या है मेटा डायरेक्टर क्यों क्योंकि आपको पता है बेटा बात करें इसके ऊपर नेगेटिव है और इसकी वजह से ऑर्थो और बेटा बात के पैरा पे भी क्या आता है नेगेटिव आता है देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे भी क्या आता है नेगेटिव आता है तो बुरे बात करें नेगेटिव जो है वो ऑर्थो पैरा पे तो जाएगा नहीं तो वो कहां जाएगा वहां जाएगा जहां बुरे बात करें पता है नेगेटिव चार्ज नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो मतलब इसके लिए न्यूक्लियोफाइल के लिए कैसा होता है मेटा डायरेक्टर क्या होता है बेटा बात करें मेटा डायरेक्टर ये आपको समझना पड़ेगा बुरे बात करें समझ पा रहे। आप फिर से देखो हमें बुरे बात करिए नहीं देखना कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप यही लगाओ फंक्शनल ग्रुप कहीं भी लगाओ फंक्शनल ग्रुप कहीं भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता समझ पा रहे। अगर मैं गुड़े बात कर यहाँ जो तू फंक्शन ग्रुप तो फिर ये ऑर्थो है ये ऑर्थो है ये गुड़े बात कर क्या बताओ मेटा और ये क्या है पैरा तो अब तो ये देख लो कि बेंजीन के ऊपर गुड़े बात कर जो डायरेक्टर है बेटा बात करें वो कैसा है वो लोन पेयर कंटेनिंग है अगर लोन पेयर कंटेनिंग है गुड़े बात कर कैसा है लोन पेयर कंटेनिंग है गुड़े बात करें तो किसका मतलब बेटा बात किस लोन पेयर की वजह से ऑर्थो पे क्या आने वाला है नेगेटिव पैरा पे क्या आने वाला है नेगेटिव ऑर्थो पे क्या आने वाला है नेगेटिव बात समझ में आ रही है बात करें इसका मतलब इसमें कि तीनों पर आएगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा समझ पाए पर होगा यही नहीं तो बुढ़े बात करें जो पॉजिटिव है पॉजिटिव को कहाँ ढक लेगा वो ऑर्थो दीदी बात करें पर और बेटा बात करें पैरा पर लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल उसको कहाँ भेजेगा मेटा पर ये बात समझ पाए तो ये वाली कंडीशन बेटा बात करें ऑर्थो और ये क्या बताओ बुढ़े बात करें ये वाली कंडीशन बेटा बात करें पैरा है और ये वाली कंडीशन कौन है बताओ बेटा बात करें ये मेटा ग्रुप है कौन से ग्रुप है मेटा बात समझ पाए इनको याद रख लेना हमेशा तो ऐसे ही बुरे बात करें मैंने बेटा बात करें 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने अगर आप सोचो बुरे बात किसी को मुझे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है क्या बनाना है हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो ये जो बेटा बात कर बनाए ना आपने ये तो 5 बुरे बात किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर बेटा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ठीक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेकिन अगर पूछे बुरे बात करके इन 5 स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी के लिए मुझे एक स्ट्रक्चर में देखना है तो मैं क्या बनाऊं इसका बनाना पड़ेगा आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनाना पड़ेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हाइब्रिड में यदि बात करें कुछ भी नहीं कर रहे आपको कोई बेंजीन बनाना है ठीक है
बुरे बात करने अच्छा देखो यहाँ पे क्या पाई बोल की पूछिए फिर से कि घूम रहे हो घूम रहे हो बात समझ पा रहे बोलो इसका है यहाँ नहीं है फिर यहाँ से हट गया देखो यहाँ नहीं आया यहाँ था फिर नहीं है यहाँ दीदी बात कर पाता नहीं था पर आ गया इसका मतलब परमानेंट ना तो ये सिंगल बॉन्ड है और ना ही ये परमानेंट क्या है डबल बॉन्ड ना ये परमानेंट सिंगल है ना ही क्या ये डबल है इसका मतलब बुरे बात करें इस बेंजीन के अंदर जो तीन पाई बॉन्ड है वो बुरे छह जगह बढ़ रहे कितनी जगह बढ़ रहे तो सबकी सिंगल सिंगल तो लेकिन तीन पाई बॉन्ड को हमने छह जगह बढ़ा तो इसका मतलब बुरे बात करें पता है दो कार्बन के बीच में इस बॉन्ड के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी बुरे बात की 50% मतलब आधा यहाँ ऐसे ही इसका दीदी बात करें आधा यहाँ ऐसे इस बॉन्ड का बुरे पाई बॉन्ड का आधा यहाँ तो अगर क्या करते बुरे इसको इसको डॉटेड बना देते क्या बना देते बेटा बात करें डॉटेड बस समझ पाए बुरे बात ये बढ़ गया जो बॉन्ड यहाँ था वो आधा यहाँ जो बॉन्ड यहाँ था वो आधा यहाँ जो बॉन्ड बुरे बात करें पता है यहाँ था वो आधा यहाँ इस तरीके से बढ़ गया ठीक है और ये स्ट्रक्चर बन चुका बेटा बात करें हमारे पास क्या NH2 ये पूरे बात करें हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है बेटा बात करें हाइब्रिड क्योंकि पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं घूम रहे अच्छा जो नेगेटिव दीदी बात कर आया पॉजिटिव कितना आया एक ही पॉजिटिव था तो पॉजिटिव किसके ऊपर था इसके ऊपर था समझ पा रहे अब यहाँ भी देखो यहाँ क्या था जो बुरे बात कर सिंगल बॉन्ड था कि डबल था सिंगल भी था डबल भी था डबल भी था डबल भी था सिंगल भी था बात समझ पा रहे मतलब यहाँ भी बुरे बात कर क्या बताओ डबल सिंगल बात समझ पा रहे इस तरीके से स्ट्रक्चर है रेजोनेंस की वजह से इसका मतलब इसके ऊपर क्या है बुरे बताओ पॉजिटिव चार्ज क्या है क्या परमानेंट आया नहीं कुछ समय के लिए आया फिर नहीं आया नहीं है पर है नहीं है पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या पार्शियल है क्या कंप्लीट पॉजिटिव आया नहीं कुछ समय के लिए आया फिर चला गया जितना पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है उतना ही दीदी बात करें पार्शियल नेगेटिव यहाँ घुमा है समझ पा रहे सरिंग में तो आप अगर बताओ बेटा बात करें जो नेगेटिव है क्या है परमानेंट आया नहीं पहले नहीं था नेगेटिव फिर आया है क्या नहीं है है क्या नहीं है है क्या नहीं है मतलब नहीं था और कुछ समय के लिए रहा भी है आप इसके ऊपर देखो बुढ़िया बात करें पहले नेगेटिव नहीं था पर आ गया समझ पर और फिर नहीं है तो इसका मतलब बुढ़िया बात नहीं कुछ समय तक रहा भी कुछ समय तक नहीं रहा तो जितना ये पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि परमानेंट नहीं है कुछ समय के लिए आया तो अपने लिखा पार्शियल पॉजिटिव जितना ये पॉजिटिव है उतना इनके ऊपर नेगेटिव आया लेकिन वो नेगेटिव एक जगह नहीं रखो बटा तीन जगह इसलिए पर क्या बोले बुढ़िया बताओ माइनस पार्शियल नेगेटिव बाय माइनस पार्शियल नेगेटिव बाय थ्री अगर ये पार्शियल पॉजिटिव जितना पॉजिटिव होता है पार्शियल नेगेटिव है लेकिन वो नेगेटिव बुरे बात में कितनी जगह बैठे तीन जगह इसलिए एक के हिस्से में कितना आया जल्दी बोलो 1/3 कितना आया 1/3 माइनस बेटा बात करें पार्शियल 1/3 ये बुरे बात इसका क्या बना बेटा बात करें हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बना हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो इस स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो ये बुरे बात करें आपकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देगा ये बेटा बात करें क्या है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है क्या है जल्दी बोलो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो मैं उसको बनाना पसंद करूंगा उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो जा रहा है मतलब बुरे बात कर पता है कुछ समय के लिए यहाँ पर आए कुछ समय के लिए फिर यहाँ से चला गया ठीक है अच्छा इससे पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है कि इसने बुरे कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन अपने दिए परमानेंट नहीं दिए तो परमानेंट पॉजिटिव आता अगर ऐसा नहीं कि दिया ही नहीं होता अगर बिल्कुल दिया ना होता इसने अपने इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर पॉजिटिव कभी आता ही नहीं इसने दिया है और वापस अपने इलेक्ट्रॉन लिए दिए इसलिए कुछ समय तक पॉजिटिव आया इनके ऊपर नेगेटिव आया और गया दीदी बात करें लेकिन जितना इसने इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूमे बस समझ पाए बेटा तो तीन जगह बुरे घूमे तो इसका मतलब जो पार्शियल नेगेटिव आया उसको मैंने तीन जगह बांटा इनके ऊपर नहीं आया इनके ऊपर मेरे कोई चार्ज ही नहीं लगाया बस समझ पा रहे अच्छा अब इलेक्ट्रोफाइल कभी अगर आएगा बेटा बात के मतलब ऐसा बुरे बात करें स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जिसके पास बुरे इलेक्ट्रॉन की कमी है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो कहां अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कौन है ऑर्थो बुरे पैरा ऑर्थो पोजीशन है और अगर बेटा बात करें कोई न्यूक्लियोफाइल आया ऐसी स्पीसीज जो बुरे बात के इलेक्ट्रॉन रिच है समझ पा रहे तो उसको कहां अटैक करेगा बुरे बात के मेटा पर क्योंकि मेटा बुरे बात के अगर सभी कार्बन को देखा जाए समझ पा रहे तो बेटा बात करें क्या मेटा ही बुरे बात के इनके कंपेयर में क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहां तो रिचनेस है ये डेफिशिएंसी आ रही तो मेटा पर पटकेंगे अपन ठीक है ये कंडीशन आएगी कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो बुरे बात करें यहां पे इसको देखना है ठीक है क्या कर पाएंगे अपन देख पाएंगे इस चीज को बुरे बात कर देख लो आप क्या है टोटल कैसे गया बेचारा तो अगर अपन देखें बुढ़िया बात करें ये हमारे पास कितने बेटा बात करें फाइव तो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर और पांच को मिला के एक बनाया बेटा बात करें हाइब्रिड वो आपको सोचना है परमानेंट आ रहा है जा रहा है मतलब सीधी सी बात है हमें खेलना है इसके साथ अगर आप खेले जितना आपने इंटरेस्ट लिया उतना ही समझो आपको समझ में आ गया बात समझ पा रहा हूँ एकदम सिंपल सी बात है दूसरी कंडीशन है बेटा बात करें पहले लोन पेयर को नहीं धकेलना है पहले दीदी बात करें पाई बॉन्ड को धकेलना ये पाई बॉन्ड अगर अगले वाले कार्बन ने लिया तो इससे जुड़े हुए कार्बन को क्या आएगा इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस आएगी उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा इस पॉजिटिव को दीदी बात करें पता है कंपेंसेट करने के लिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है
फिर अगर यहां बेटा निगेटिव आ गया तो देखा गुटे बात करिए, निगेटिव कब आगे शिफ्ट होगा, जब इस कार्बन के पास कमी आएगी, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को लेना चाहिए, मतलब जो जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना है अगर वो नेक्स्ट वाला कार्बन पाई बॉन्ड लेता है तो जो प्रीवियस कार्बन उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कमी आएगी, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए बगल वाला मदद करता है। जैसे इसकी मदद किसने की, इसके बगल वाले ने, तो वैसे अगर ये बॉन्ड अगर यहाँ चला गया तो इसके पास पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, तो इसके ऊपर निगेटिव आया, अगर इसके ऊपर निगेटिव इसको पॉजिटिव भी तो आया था, तो इसके पॉजिटिव को दीदी कवर करे पता है पूरा किसने किया, इस कार्बन ने, क्योंकि इस कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपना लोन पे शेयर किया कि नहीं किया, देखो ये बना बॉन्ड, अब इसके ऊपर ही नेगेटिव है, अभी नेगेटिव आगे कब जा सकता है, जब इसके पास कमी होगी, अभी तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 बॉन्ड अभी जाएगा नहीं, लेकिन अगर ये बॉन्ड ये कार्बन ले ले, बात समझ पा रहे, ये बॉन्ड जो है ये कार्बन ले ले, तो इसका मतलब इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन मिले, अपना तो मिला लेकिन इसका भी मिला, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, इसलिए इसने बुरे बात करी, इस कार्बन ने अपना नेगेटिव यहां शेयर कर दिया, बात समझ पा रहे हो। अब अगली कंडीशन बेटा यहां पे नेगेटिव आ गया, ये दीदी नेगेटिव कब बॉन्ड पे शिफ्ट हो सकता है, अभी इस कार्बन के तो 8 इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं, अगर दीदी बात की नाइट्रोजन वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, सोचो अगर ये बॉन्ड बेटा बात की ले रहे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 4 6 और एक की कमी आएगी कि नहीं आएगी, एक इलेक्ट्रॉन से चला जाएगा वापस, तो इसको पॉजिटिव आएगा, तो फिर ये कार्बन बगल वाला यहाँ पे अपना जो लोन पे वो यहाँ शेयर कर देगा, मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटा यहाँ बॉन्ड बना, छोटी सी बात है, वो स्ट्रक्चर फिर से आ गया और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, छोटी सी बात है बेटा, बात करें कि आगे गुटे बात कर वाला बॉन्ड आगे वाले एटम को तो पीछे वाला एटम अपना गुटे बात के लोन पे शेयर करेगा, समझ पा रहे, ये कंडीशन है। अब अगर मैं यहां पूछूं आपसे यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, फंक्शन ग्रुप है, बिल्कुल है, बेंजल्डिहाइड बेटा ये फंक्शन ग्रुप, पर पता है ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ऐसा फंक्शन ग्रुप बेटा बात करें जो बेंजीन रिंग, अभी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग नहीं बोल सकते आप, अगर अपन बोले बेटा बात करें इलेक्ट्रोफाइल के लिए गुड़े बात करिए एक्टिवेटर है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के तो वो डीएक्टिवेटर ही हुआ ना, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर बोध में देखना पड़ेगा स्पीसीज कौन है, तो उसके रिस्पेक्ट में बोलो आप, अभी मैंने स्पीसीज आपको नहीं दी, तो अभी अपन ये नहीं बोल सकते बेटा बात करें कि एक्टिवेटर है कि डीएक्टिवेटर, हाँ अटैक करने वाली स्पीसीज दूं तो फिर आप मुझे बताओ कि एक्टिवेटर है, इसके लिए कंडीशन अपन क्या करें बताओ बेटा बात करें, अगर आप इसको खोलते हो बेंजल्डिहाइड के एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को अगर खोला दीदी बात करें बताओ क्या कंडीशन है बेटा बात करें, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये गुड़े बात करें एल्डिहाइड, बात समझ पा रहे हो, अभी अगर देखें जो कार्बन है क्या उस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, अगर गुड़े बात करें ये वाला कार्बन मतलब इन दो कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में हर किसी का दीदी अपना हाइड्रोजन है आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, अगर बेटा बात करें इस वाले बॉन्ड को ये वाला कार्बन ले ले तो इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अपना तो मिला साथ में गुड़े इस कार्बन का मिला, इसके ऊपर क्या आया निगेटिव आया, लेकिन इस कार्बन के ऊपर क्या है पॉजिटिव आया, अगर पॉजिटिव आया सोचो गुड़िया बात करें पॉजिटिव आया, समझे बेटा बात करें, तो क्या गुड़िया बात करें इसका पॉजिटिव क्या ये कार्बन पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ है ना पाई बॉन्ड, ये यहाँ शिफ्ट कर दो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन करके कार्बन को देना क्या ये गुड़े पॉसिबल है, इस कार्बन की इतनी औकात है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन छीन और इस कार्बन को दे दे, हाँ अगर ऑक्सीजन चाहे तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, तो इसका मतलब फिर अब यहां मत कर देना बेटा बात की, जैसे आपने ये पाई बॉन्ड घुमाए कार्बन की तरफ वैसे यहां नहीं घूमेंगे, यहां दीदी उल्टा होना है, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ये जो पाई बॉन्ड था बेटा ये गुड़े बात कर पाई बॉन्ड ये कार्बन नहीं लेगा, अगर अल्टरनेट पोजीशन में डबल सिंगल डबल दो बॉन्ड आ जाएं रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, अगर अल्टरनेट पोजीशन में दो डबल बॉन्ड हो तो गुड़े बात करें अगर सिमिलर एटम पड़े कार्बन कार्बन पड़े, समझ पा रहे हो, कार्बन कार्बन हो तो गुड़े बात करें कोई भी बॉन्ड कहीं जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे दो एटम के बीच में गुड़े बात करें पता है डबल बॉन्ड पड़े जिनकी गुड़े बात करें क्या कंडीशन आ रही बताओ बेटा बात करें, देखो ये डबल बॉन्ड किसमें अल्टरनेट पोजीशन में बताओ गुड़े बात करें कौन सा डबल बॉन्ड कहां जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां जाएगा और ये वाला गुड़े डबल बॉन्ड यहाँ, ऐसा क्यों गया, अगर ये गुड़े बात कर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले ले तो ये पूरे लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इसके पॉजिटिव को दीदी बात क्या पता है खत्म करने के लिए ये कार्बन अपना लोन पेयर यहाँ मतलब अपना पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, सोच पा रहे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि अगर ये बेटा बात के पूरा पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, सोचो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास ही है लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, जैसे इसका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ इस पर कमी आई तो इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, सोच पा रहे गुड़े बात करें, अल्टीमेटली जो यहाँ बॉन्ड था गुड़े बात करें जो यहाँ बॉन्ड था इस पूरे बॉन्ड को लिया ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन तो लिया गुड़े बात कर इस कार्बन का लिया, कार्बन का लिया तो इसके ऊपर क्या गया निगेटिव, इस कार्बन में क्या था पॉजिटिव, लेकिन इसके पॉजिटिव को दूर किसने कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दिया तो इसके ऊपर निगेटिव आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया न्यूट्रल, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, तो इसका मतलब गुड़े बात कर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर क्या गया निगेटिव आ गया, मतलब अगर दो गुड़े बात करें हमारे पास क्या हो बेटा बात करें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन कहां से शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, आप बोलो कि यहां शिफ्ट हो जाएगा, सर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ ना, देखो आप ऐसे शिफ्ट कर दो,
ऐसे शिफ्ट करने का मतलब क्या है, अगर इन दोनों कार्बन के बीच में गुड़े बात करें बॉन्ड है और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन ले जाए, चलो ठीक है अपना तो ले लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे इस कार्बन का लिया इनके ऊपर नेगेटिव आ गया और ये बॉन्ड टूटा, जैसे ये बॉन्ड टूटा इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया इसके ऊपर क्या गया पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव को दूर करने के लिए इस कार्बन की इतनी औकात नहीं है कि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को यहां पटक दे, अगर गुड़े ऐसा कष्ट ये कर पाता ये जो बॉन्ड है अगर वो यहां आ जाता, दिख रहा है आपको इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास ही आ गया, बस यहां की जगह यहां आ गया, लेकिन इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो यहां था वो इसको मिल गया, देखो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां आ गया, समझे आप। तो अगर गुड़े बात करें जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ये बॉन्ड यहां बन जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस क्या होगा न्यूट्रल, लेकिन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पॉजिटिव, क्या ये पॉसिबल है कि नेगेटिव ऑन गुड़े बात कर लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्या ये पॉसिबल है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बात समझ पा रहे हो। तो अगर गुड़े बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसी कंडीशन हो इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको इधर इसको इधर, या फिर दीदी बात कर इसको इधर तो इसको इधर, कहीं भी करो, अगर ऐसा कर रहे हो इसका इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आना है, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हो दीदी बात करें कि आप इसको इधर ले जा रहे हो तो इसके ऊपर नेगेटिव और फिर ये बॉन्ड इधर आएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, अल्टीमेट देखो कार्बन पे ही पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे ही पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव है, लेकिन अगर दो अलग अलग एटम फंस गए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा गुड़िया बात करें कि अल्टरनेट पोजिशन पे दो डबल बॉन्ड है तो दीदी बात करें पता है लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले एटम से डबल बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी, समझ पा रहे हो। इफ टू डबल बॉन्ड आर गुड़े बात के प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट पोजीशन और कॉन्जुगेट पोजीशन, देन बेटा बात कर रहे हो वन डबल बॉन्ड बेटा बात के इज ऑलवेज शिफ्टेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू दूसरी बात कर क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझ पा रहे, या वन पाई बॉन्ड गुड़े बात कर रहे हैं टूवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गुड़े बात में शिफ्टेड गुड़े बात करें कहां पे टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, मतलब लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से कहां शिफ्ट होगा, बात समझ पा रहे हो गुड़िया बात कर, ये भी अपन को देखना पड़ेगा, तो इसको गुड़िया बात के अपन हटाते हैं, ये बात सारी की सारी अपन को करनी है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ये तुम्हें जानना पड़ेगा, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अभी कंडीशन क्या होगी बेटा बात कर, अब ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की गुड़िया बात करें तो कंडीशन क्या होनी है, इस वाले स्ट्रक्चर वाले बॉन्ड को तो मिधा नहीं दोगे, यहां दीदी बात कर रहे हैं जो स्टार्ट ही कौन करता है ये वाला ऑक्सीजन, जो डबल बॉन्ड गुड़े बात कर रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना है, मतलब जो पाई बॉन्ड गुड़े बात करें बिग बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना है, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा बात का पूरे के पूरे बॉन्ड को गुड़े बात के अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ही वो गुड़े बात के पूरे बॉन्ड को लेता है इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन का एक कार्बन का, लेकिन अगर पूरा बॉन्ड लिया माना दोनों इलेक्ट्रॉन अगर वो ले ले तो एक नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, जैसे इसके ऊपर नेगेटिव आया कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, अब इस पॉजिटिव को गुड़े बात कर पता है न्यूट्रल करने के लिए बेचारी ये कार्बन अपने गुड़े वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते कि मेरा ही भाई परेशान है, तो चलो दीदी बात कर जैसे ही इधर शिफ्ट होगा वैसे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, बात समझ पा रहे। तो अगला स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा बेटा बात कर, अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, देखो जिन बॉन्डों को अपन दीदी बात कर शिफ्ट नहीं कर रहे उनको वैसे का वैसा ही रहने दो, केवल दो दो पाई बॉन्ड को अपन को खेलना है, कौन था ये कार्बन हाइड्रोजन, कौन था ये कार्बन हाइड्रोजन, मैं कह रहा हूं कौन था कार्बन हाइड्रोजन, इनको हमेशा बना के रखो ताकि आपको दीदी बात कर इनके ऑक्टेट को बैलेंस करने में कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। क्या था बताओ यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहां गुड़े बात करें क्या कंडीशन आएगी, अगर इसके बॉन्ड को ऑक्सीजन ने लिया होगा तो ऑक्सीजन क्या हो चुका होगा नेगेटिव, क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, अपना तो आया कार्बन का भी आया, कार्बन के ऊपर क्या आया पॉजिटिव आया था, इस पॉजिटिव को दीदी बात करके किसने न्यूट्रल किया इधर के बॉन्ड ने, जो इधर का बॉन्ड था वो यहां शिफ्ट हो गया, अभी भी देखो जो इसके कार्बन का इलेक्ट्रॉन था इधर वो अभी भी इसके पास ही है, लेकिन जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन के पास आ गया, इसका मतलब बॉन्ड यहां बना दोस्त, तो लॉस किसको हुआ गुड़े बात कर लॉस इस कार्बन को हुआ बेचारे को, इसके ऊपर क्या आया पॉजिटिव चार्ज, क्या आया पॉजिटिव चार्ज, तो कंडीशन समझ पा रहे गुड़े बात करें, अल्टीमेटली हुआ क्या इस ऑक्सीजन ने छीना इस कार्बन का, इस कारण पे पॉजिटिव आया, इसकी कमी किसने कर दी बेचारे ने इसने, इसने गुड़े अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इसका पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव यहां पर यहां डबल बॉन्ड बन गया, बात समझ पा, और यहां पे क्या नेगेटिव, अब कंडीशन क्या होगी गुड़े बात करें जैसे इसके दुख को इसने समझा वैसे गुड़े बात कह रहे वही तो गुड़े बात के पता है जो अट्रैक्शन इसके प्रति इसका था वही अट्रैक्शन गुड़े बात क्या पता है जल्दी बोलो इस कार्बन के प्रति किसका है इस कार्बन का है, तो ये जो कार्बन है गुड़े बात का वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट यहां कर देता है, मतलब बेटा बात करें कंडीशन क्या होने वाली है ये वाला गुड़े बात का जो बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट होगा, अगर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहां गिरेगा, बात समझ पा रहे हो। अगले स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो कुछ ऐसा आएगा,
अगर दो गुटेबाद का हमारा देखो अल्टरनेट पोजीशन पे कौन हो, अभी तुम ध्यान रखते जाना, अल्टरनेट पोजीशन पे गुटेबाद कर एक पॉजिटिव एक डबल बॉन्ड हो, तो गुटेबाद कर रहे जो डबल बॉन्ड है वो कहां गुटे मूव करता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, कहां मूव करेगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब तो गुटे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव यहां मूव करता, यहां गुटेबाद का लोन पेयर है जो पाई बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो पॉजिटिव यहां जाएगा, मतलब अगर अल्टरनेट पोजिशन में पॉजिटिव सिंगल डबल अगर है तो डबल बॉन्ड गुटेबाद का हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब कुछ इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी, ठीक है बुरे बात कर इसको वैसे ही रख दो। अगर बेटा बात कर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो बताओ बेटा बात कर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कमी आएगी कि नहीं आएगी, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कुछ समझ में आ रहा है। अब कंडीशन क्या होगा बताओ बेटा बात कर, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो इसके पॉजिटिव को कम कौन करेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में है यहां से वो यहां शिफ्ट होगा, एक की तो कमी थी, सोचो बुरे बात का अगर ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है पर इसका इलेक्ट्रॉन जो यहां था वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, ये बॉन्ड यहां बन गया, तो बुरे बात कर अभी भी इसके पास तो देखो कितने बॉन्ड हो गए, एक दो तीन चार, जो पहले 1 2 3 4 थे ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, अल्टीमेटली इसके चार हो गए, इसके कितने बचे बेचारे के 3 1 2 3, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस इसको होता है। तो कंडीशन कैसे देखना बेटा बात करें, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से गुड़े तो नए नए स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करते जाना है, ठीक है करना तो एकदम दीदी बात कर बेसिक से ही था, वो बेसिक ही करा रहे, ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है ना, स्ट्रक्चर कैसे बेटा अपन को ड्रॉ करना है, जो गुड़े बात कर डबल बॉन्ड थे उनको वैसे का वैसा ही रहने दो, जो आपने शिफ्ट नहीं किए इसको वैसे ही रहने दो। अब तो गुड़े बात कर अगर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है डबल बॉन्ड आगे बेटा कि नहीं आ गया, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, आया कि नहीं आया, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है ये वाली कंडीशन। अब अगली बार क्या होगा बताओ गुड़े, अब क्या होगा, अब इस पे पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव कैसे दूर होगा, वो पॉजिटिव वैसे दूर होगा अगर ये पाई बॉन्ड कहां यहां कूद जाए, अगर ये पाई बॉन्ड यहां कूदा तो इस कारण को फिर से क्या आएगा पॉजिटिव, लेकिन इसके पॉजिटिव को कौन खत्म कर सकते, इस ऑक्सीजन ने जो दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दे, तो अगले वाले स्ट्रक्चर गुड़े बात करें कैसे होगा पूरा बताओ बेटा बात करें, अगर ये गुड़े बात कर ऑक्सीजन कुछ देर बाद गुड़े बात कर परेशान हो जाए कि लोन पर बहुत समय तक रख लिया, मैं क्या करना चाहता हूँ वापस शेयर करना चाहता हूँ, अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए तो सोचो गुड़े बात कर यह बॉन्ड बनने वाला है, तो इस कार्बन को डबल ऑटोमेटिकली गुड़े जो बेटा पाई बॉन्ड है उसको यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, नहीं तो गुड़े बात क्या अगर इसने बॉन्ड यहां बना दिया तो इसके पांच बॉन्ड हो जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो जैसे बेटा बात का ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा वैसे गुड़े बात क्या पता है ये जो पाई बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, और अगला जो स्ट्रक्चर है वो वापस यही आ जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर को रिपीट कर देगा, लेकिन बेंजीन रिंग के अंदर अपन देखें तो पाई बॉन्ड की पोजिशन अल्टीमेटली क्या होगी गुड़े बात का टोटल जल्दी बोलो चेंज हो गई, नहीं समझे, इस कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, सोच पा रहे और बेटा बात कर रहे ये जो दो बॉन्ड है वो वैसे ही बना दो, और जो बेटा बात कर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ वो वापस आ गया कि नहीं आ गया, तो बुढ़े बात क्या बताओ 1 2 के बीच में पहले था पर अब नहीं है, पहले 2 3 के बीच में नहीं था पर अब है, बुढ़े बात क्या पहले 3 4 के बीच में था पर लास्ट में नहीं है, अब बुढ़े बात क्या बताए पहले 4 5 के बीच में नहीं था पर है, पहले 5 6 के बीच में था पर अब नहीं है, 6 1 के बीच में नहीं था पर अब है, तो बुरे बात कर वो घूमा नहीं घूमा, मतलब बुरे बात कर एक चीज देखो आप एक स्ट्रक्चर दीदी बात करें जब मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया था तब देखो बुरे बात कर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव इसके ऊपर कोई नेगेटिव नहीं था, याद है कुछ ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे बुरे बात किसके ऊपर नेगेटिव आया इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, अभी भी ये न्यूट्रल ही है, अगर एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव जोड़ के देख लो टोटल कितना है न्यूट्रल, पहले भी न्यूट्रल अब भी न्यूट्रल अब भी न्यूट्रल, बुरे बात करें नेगेटिव पॉजिटिव एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, बात समझ पा रहे ना, कोई नेगेटिव ना कोई पॉजिटिव पूरा का पूरा न्यूट्रल है, इसके कितने बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हमारे पास गुड़े बताओ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने पर गुड़े बात करें जो नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया बात समझ पा रहे गुड़े बात करें, अब अगर आप पूछो कि एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो किसके लिए एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर मतलब गुड़े बात करें किसको किसके अटैक को गुड़े बात करें पता है सिंप्लीफाई कर देता है, किसके अटैक को गुड़े बात करें आसान बना देता है, तो वो करता है गुड़े बात के न्यूक्लियोफाइल के अटैक को, तब न्यूक्लियोफाइल को फिक्स पता है पोजीशन मिल गई कि अगर न्यूक्लियोफाइल आना चाहे और अटैक करना चाहे तो उसको जगह ढूंढने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मुझे वहां इलेक्ट्रॉन देना जहां कमी है, तो वो कमी कहां पर है ऑर्थो पर, नहीं कमी कहां पर है पैरा पर, कहां है कमी ऑर्थो पर, तो या तो ऑर्थो पर यहां अटैक करे या तो यहां अटैक करे या तो यहां अटैक करे, तो समझ पा रहे आपको देखा पेपर में कि ब्लेसा बेंजाल्डिहाइड है और बेंजाल्डिहाइड पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आए तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल को दीदी बात या तो ऑर्थो पर अटैक करा देना आप या तो पैरा पर या तो यहां,
समझ में, तभी आप कौन सा सही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ जोड़ के आ जाओ, यहाँ जुड़ेगा ही नहीं कभी निकुल फायर। अगर जोड़ के आप आ गए तो आपको गुशन गुड़े बात कर रखे माइनस वन में चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो मुझे पहले समझ में आना चाहिए गुड़े बात करें कि कहां जुड़ेगा कहां नहीं जुड़ेगा। तो ये जो बेंजाल्डिहाइड है जो आप कह रहे थे कि एक्टिवेटर एक्टिवेटर, अब वो न्यूक्लियोफाइल के लिए एक्टिवेटर है। पर अगर मैं पूछूं बेटा बात कर इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की त्रुटि एक्टिवेटर है। इलेक्ट्रोफाइल बेचारा आना चाहता था, इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस वाला इलेक्ट्रॉन लेने, लेकिन तो बेंजीन के अंदर ही गुड़े बात कर, पता है कमी कर दी। बताओ अगर आप चाहो कि मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराऊं, क्या इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पर अटैक करेगा? बेंजीन की तो खुद बेचारे कार्बन दीदी बात कर किससे गुजर रहे, कोई कहता हो इलेक्ट्रॉन की कमी से गुजर रहे, बेचारे इलेक्ट्रॉन की किससे गुजर रहे, कमी से गुजर रहे। तो इनके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। क्या ये गुड़े बात कर ऐसे किसी भी स्पीशीज को पसंद करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो? भाई साहब मैं अपने पड़ोस की मतलब अपने ही दीदी बात के पड़ोस की मदद नहीं कर पा रहा हूं, समझ पा रहे? इसकी कमी जैसे तैसे गुड़े बात कर कैसे पूरी कर रहे हैं, कभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं कभी सामने वाला पॉजिटिव ले रहे हैं, वैसे हम इसकी कमी पूरी कर रहे हैं। तो हमारे पास तो खुद ही हमारे घर में खाने को नहीं है, आपको हम खाने को कहां से दें? तो इलेक्ट्रोफाइल की एक्टिविटी को अटैक को इसने दीदी इजी किया कि डिसइजी किया, इजी किया कि डिफिकल्ट किया, डिफिकल्ट किया, समझ पा रहे? मतलब इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को दीदी बात किसने आसान नहीं किया और टफ बना दिया, बात समझ पा रहे? तो ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए कैसा है, डीएक्टिवेटर ग्रुप है। पर अगर न्यूक्लियोफाइल हो कोई गुड़े बात करें तो उसके लिए क्या है बेटा बात करें, एक्टिवेटर ग्रुप है, क्योंकि इसको रास्ता बता दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं भटकना, या तो इधर जाओ या यहां यहां, क्योंकि इनके पास ही कमी है। देख रहे आपको इनके पास ही कमी है गुड़े बात करें। तो ये आराम से अटैक करेगा तो ऑर्थो पर, या तो गुड़े पैरा पर, या तो ऑर्थो पर, बात समझ पा रहे? एक्टिवेटर मैक्टिवेटर तो ये सब बात की बात है। एक्टिवेटर है क्या गुड़े बात करें, बड़ी बड़ी वर्ड हम फेंक देते हैं कि इसके लिए एक्टिवेटर उसके लिए डीएक्टिवेटर है। सीधी सी बात है गुड़े बात करें, पहले आप मैग्नीशियम समझो, मैग्नीशियम समझने के बाद गुड़े बात करें पता है खुद हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, सपोज कर रहा है गुड़े बात करें तो उसके लिए एक्टिवेटर हो गया, अगर अपोज कर रहा है उसके अटैक का तो उसके लिए डीएक्टिवेटर हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अपने शब्दों में ले जाओ सब्जेक्ट को, किसमें ले जाना है, अपने शब्दों में, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसका अगर मुझे बेटा बात करें बनाना है, क्या बनाना है जल्दी बोलो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आराम से बना देंगे गुड़े बात का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, नहीं बन जाएगा क्या? बहुत प्यार से बनेगा गुड़े, बताओ मुझे ऐसा स्ट्रक्चर था, कुछ समझ में आया गुड़े बात करें? क्या हुआ बताओ बेटा बात करें, पहले डबल बॉन्ड था पर नहीं है, पहले नहीं था पर अब है, पहले नहीं था पर अब देखो दीदी है, पहले दीदी बात करें पता है नहीं था पर अब है, पहले था पर अब नहीं है, पहले नहीं था पर अब है। तो इसका मतलब गुड़े बात के जो तीन पाई बॉन्ड है, पहले यहां था गुड़े बात के यहां था और यहां था, अब यहां है यहां है यहां है, मतलब जो तीन पाई बॉन्ड है गुड़े बात कर वो क्या कर रहे, घूम रहे। कहां घूम रहे बेटा बात करें पता है, इधर इधर, ऐसे ये इधर इधर, वैसे बेटा बात के ये कभी इधर कभी इधर। तो अल्टीमेटली वैसे नहीं हो रहा है हाल कि जैसे अगर ये बेटा बात कर यहां चला जाए, ये यहां चला जाए, ये यहां चला जाए, ऐसे घूम रहे। इसका मतलब तीन पाई बॉन्ड को हमने किसमें गुड़े बात कर बांट दिया, छह कार्बन में। तो आधे समय तक ये जो बॉन्ड यहां है वो यहां रहेगा और आधे समय तक सोचो गुड़े अगर यहां चला, जैसे ये यहां चला जाए आधे समय तक बेटा बात करें कहां, ये यहां है, वो आधे समय तक ये यहां है। जैसे ये इधर से इधर चला जाए तो आधे समय तक ये यहां है, समझ पा रहे हो, वो आधे समय तक ये यहां है। जैसे बेटा बात की ये बॉन्ड आधे समय तक यहां, आधे समय तक यहां चला जाए, आधे समय तक यहां है, आधे समय तक यहां, क्योंकि जाओगे यहीं पर, नहीं समझे आप? जैसे आपने ये कर दिया, अगर आपने इसको यहां पहुंचाया देखो ना, इसको यहां पहुंचा और इसको यहां पहुंचाया, अब अगली बार फिर से वही करो, इसको यहां पहुंचाओ, इसको यहां, इसको यहां पहुंचाओ, तो क्या स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो जाएगा, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? देखो आप यहां पे गुड़े बात कर इस बॉन्ड को यहां भेजा वहां आया, लेकिन उस बॉन्ड को गुड़े बात कर तुमने यहां भेज दिया तो यहां जगह खाली होगी, इसको यहां भेज दिया यहां जगह खाली, यहां बॉन्ड आ गया उसको यहां भेज दिया यहां जगह खाली होगी, खाली होगी नहीं वो जगह, तो वही स्ट्रक्चर एक दूसरे में बार बार रिपीट हो रहे हैं। पर वो पांच बार फॉर्म बनाने का मतलब है गुड़े बात कर कि मैंने उसको पूरा मैकेनिज्म के साथ आपके सामने रखा है, समझ पर स्टेप बाय स्टेप कंडीशन, बस इतना देखना था आपको। अच्छी गुड़े बात करिए आ गया, अब आपको पता है बेटा बात कर जो यहां का डबल बॉन्ड था, जो डबल बॉन्ड था क्या वो यहां रहा, कभी यहां था कभी यहां था, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड मतलब आधे समय तक गुड़े बात करें यहां और आधे समय तक यहां। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे नहीं आई क्या, आई होगी गुड़े बात करें, नहीं आई समझ में? अच्छा ये वाली गुड़े बात कर हमारे पास कंडीशन है, इसके ऊपर क्या था नेगेटिव, मतलब देखो नेगेटिव था, नेगेटिव था, नेगेटिव था, पर नेगेटिव नहीं है और नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, परमानेंट नेगेटिव ही, कुछ समय तक, कुछ समय तक पार्शियल नेगेटिव, जितना इसके ऊपर नेगेटिव आया ना बेटा बात करें पता है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता ना, इसके पास कमी आती ना, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता, बात समझ पा रहे? तो जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार था गुड़े बात का पता है जो डिफरेंट एटम है, हमेशा दीदी बात कर याद रखना सिमिलर के बीच में बॉन्ड टूटने के चांस बहुत कम है, जो डिफरेंट होते बेटा बात कर पता है वही
गुटे बात कर वहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि वहीं पर पोलैरिटी रहेगी। जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम के ऊपर पॉजिटिव आएगा और फिर वहां से दीदी बात क्या पूरी रामायण स्टार्ट होती है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ना ये इलेक्ट्रॉन लेता, ना इस पर पॉजिटिव आता, ना बेंजीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, ठीक है? ये वाली कंडीशन है। इसके ऊपर क्या है पार्शियल गुड़े बात कर नेगेटिव, तो गुड़े बात कर पार्शियल पॉजिटिव कहां पर आया? ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर, लेकिन जितना नेगेटिव उतना ही गुड़े बात कर यहाँ पॉजिटिव है, उतना ही पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा तो नहीं गुड़े बात कर अगर मैं तीन जगह पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दूं, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तो फिर थ्री पॉजिटिव हो गया पार्शियल। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वन बाई थ्री, कितना करना पड़ेगा वन बाई थ्री, कितना करना पड़ेगा वन बाई थ्री, मतलब पार्शियल पॉजिटिव बाय थ्री, पार्शियल पॉजिटिव बाय थ्री जोड़ लो इनको, टोटल कितना हो रहा है थ्री इंटू पार्शियल पॉजिटिव बाय थ्री, से थ्री नीचे का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना आएगा पार्शियल पॉजिटिव, जितना पार्शियल पॉजिटिव यहाँ उतना पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर। अभी भी ये कंपाउंड कैसा न्यूट्रल है, कैसा है न्यूट्रल है, बात समझ पा रहे? तो न्यूट्रल एटम से आपने स्टार्ट ही किया था, न्यूट्रल स्ट्रक्चर ही दिया था आपको, न्यूट्रल स्ट्रक्चर आपके पास अभी भी है गुड़िया बात करें, ठीक है? पर आपको यहाँ के पाई बॉन्ड पूरे घुमाने पड़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ रहे, ये पाई बॉन्ड घुमाना पड़ेगा, समझ पा रहे कहाँ कहाँ रहा? कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये दीदी याद रखना है, यहाँ पे नेगेटिव रखना बेटा, यहाँ पॉजिटिव रखना, तीन जगह बांटना है, ये इसके रेजिमिक स्ट्रक्चर है, क्या है? अच्छा, अब अगर इसके लिए कोई कहे, ये बताओ अगर गुड़िया बात करें कोई बेंजीन रिंग पर ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो गुड़िया बात कर क्या हो लोन पेयर कंटेनिंग ना हो, लोन पेयर कंटेनिंग ना हो मतलब क्या है बताओ, गुड़िया बात कर कोई ऐसा बेटा बात कर हमारे पास ग्रुप जुड़ जाए, कोई ऐसा ग्रुप जुड़े जिससे गुड़िया बात कर बता उससे भी ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गुड़िया बात कर मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, मतलब ये नॉन लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, कैसा है ये नॉन लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, दीदी बात करें नहीं समझ पा रही कंटेनिंग ग्रुप, अब ये कौन हो सकता है गुड़िया बात कर कौन हो सकता है, ये एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड तो बनाई है, ये एसिड हो सकता है, अब बोलो एसिड कैसे हो सकता है, वही तो स्ट्रक्चर आ रहा है, एसिड में क्या होना है, ये तो बनानी है, बस यहाँ पे दीदी बात कर आपको एक OH और कर देना है, नहीं समझे क्या ये गया यहाँ से बॉन्ड नहीं गया, अच्छा ये बॉन्ड यहाँ टूटे चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि पाई बॉन्ड तो यहाँ है ना, तो ये ऑक्सीजन लेगा, तो ये हमारे पास क्या है एसिड है, नहीं नहीं और कोई ग्रुप NO2 ग्रुप यही है, NO2 ग्रुप कैसे है, NO2 ग्रुप का मतलब यही तो होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक बॉन्ड नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, सर NO2 का है एक ऑक्सीजन का है एक ऑक्सीजन ये है, इस ऑक्सीजन के साथ इसने क्या किया गुड़े बात कर अपना बेटा बात कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर कर लिया, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड बना नहीं सकते, इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास एक लोन पेयर है तो दो बॉन्ड अगर बनाता है तो इसके पांच बॉन्ड हो जाएंगे, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो इसका मतलब नाइट्रोजन क्या करेगा अपना लोन पेयर बेटा बात करे ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में देगा, बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो यहाँ गुड़े बात करें पाई बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन क्या मानते सिग्मा बॉन्ड मानते, क्या मानते, तो गुड़े अभी भी अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कमी आएगी पॉजिटिव आएगा, तब भी बेचारे कार्बन दीदी बात कर पता यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, क्या आपके पास कमी है चलो हम मदद कर देते हैं, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कोई ग्रुप जुड़े हो चाहे वो NO2 हो चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे गुड़े बात करें वो कौन हो चाहे वो एसिड हो चाहे वो साइनाइड हो, साइनाइड मतलब कैसे अगर कार्बन जुड़ा है वो कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कौन जुड़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन जुड़ा, अगर उसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीना नेगेटिव आएगा और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, जैसे ही कार्बन पॉजिटिव आएगा ये बेचारा बाहर आ जाएगा, समझ पा रहे मदद करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे कोई ग्रुप जुड़े हो मतलब एक ही जगह गुड़े बात का मुझे कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जिसमें गुड़े बात का जो ज्वाइनिंग एटम है वो अपने से आगे वाले जो उसका एटम है वो उससे ज्यादा नेगेटिव हो और मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा उससे जुड़ा हो, ताकि आगे वाला गुड़े बात के जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इसके पाई बॉन्ड को ले जाए उसके ऊपर क्या करे दीदी बात करें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दे, जैसे ही पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बाहर निकलना स्टार्ट होगा आपको रेजोनेंस मिलने लगेगा, क्या मिलने लगेगा बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो बेटा बात करें आपको ये सारे ग्रुप और दीदी आते ही इतने ही है एल्डिहाइड आए पूछेगा या फिर बेटा बात कर वो आपसे एसिड पूछेगा या बेटा बात कर वो आपसे NO2 ग्रुप पूछेगा या गुटे बात कर आपसे क्या पूछेगा साइनाइड पूछेगा, क्योंकि नाइट्राइल एल्डिहाइड एसिड गुटे बात करें और हमारे पास साइनाइड NO2 नाइट्रो ग्रुप है एल्डिहाइड है एसिड है और कौन है साइनाइड है, ये ग्रुप पूछता है। जेड ग्रुप की जगह जहां लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है वहां वो तुमसे पूछेगा फिनॉल की रिएक्शन, एल्कोहल है अमीन की रिएक्शन, पूरा अमीन टॉपिक ही है हैलोजन, हैलोजन टॉपिक है हैलाइड, समझ पा रहे इलेवेंथ में पूरा, तो गुड़े बात करें हैलाइड पूछ लेगा या OH पूछेगा या गुड़े बात का हमारे पास अमीनो ग्रुप पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं है, बात समझ पा रहे हो? तीन चार मैं लिखूंगा आपको बहुत सारे लिखूंगा मैं आपको अमाइड समझ पा रहे एस्टर, लेकिन कंडीशन पूछना उसको कितने हैं दो तीन चीजें, लोन पेयर वाला हैलोजन पूछना उसको या बेटा बात कर उसको अमीनो ग्रुप पूछना है या गुड़े बात कर उसको एल्कोहल ग्रुप पूछना है, अगर दीदी नॉन लोन पेयर की बात करें वो वाली कंडीशन तो वहां उसको एल्डिहाइड पटक देगा या एसिड की रिएक्शन कराएगा या साइनाइड की कराएगा या NO2 की कराएगा, कुछ याद हुआ नहीं हुआ? और अगर तुम्हें यह पता चल गया बेटा बात करें कि इसकी वजह से अगर ये नॉन लोन पेयर है तो बताओ और तो पेरा पे क्या आने वाला है पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आ गया तो उसके गुड़े बात करें उसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ गया तो कहां पर आएगा
पहली बात तो आएगा ही नहीं क्योंकि बेंजीन पॉजिटिव हो चुकी है। लेकिन अगर तुमने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सोच लिया कि मुझे करानी है तो फिर वो कहां आएगा, मेटा पे आएगा, समझ पा रहे? अदरवाइज अटैक करने किसको आना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि बेंजीन में पॉजिटिव है। तो वो बेंजीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज लाया वो यही तो लाया ग्रुप, नहीं समझ पा रहे? तो गुड़े बात करें, अब अगर वो कोई बेटा बात करे अटैक करने न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक कराओगे आप, ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर, ये बात समझ पा रहे हो? नहीं आया? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से गुड़े बात कर लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर आएगा, तो बेंजीन रिंग में वो क्या ला देगा, ऑर्थो पर नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव। तो इसके ऊपर अटैक करने किसको आना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि गुड़े बात के पहले से रिंग बेटा बात के नेगेटिव बैठी है, समझ पा रहे हो? तो उसके लिए तो वो गुड़े ग्रुप क्या हो गया, डीएक्टिवेटर हो गया। मान लो जो भैया के शब्दों में है वो कैसा, डीएक्टिवेटर। तो इसका मतलब गुड़े बात के हमारे पास कंडीशन क्या है कि पहले बात तो न्यूक्लियोफाइल को नहीं आना चाहिए, लेकिन जैसे तैसे गुड़े कैटलिस्ट में न्यूक्लियोफाइल आ गया कि नहीं मैं तो जुड़ के रहूंगा, तो चले जाओ फिर, कहां चले जाओ, दो ही पोजीशन बची मेरे पास, मेटा वाली, समझ पा रहे, वहां जुड़ जाओ। और अगर बेटा बात के वैसे आना किसको चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि बेंजीन पे क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दे देंगे आराम से। तो कहां देने, कहां कहां मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर। सिंपल आ रहा है कि नहीं यार दोस्त? नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल सी चीजें हैं, नोट कर लो इसको फटाफट बेटा बात करें।